आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डीडी फ्रेश में, जो हमें पहले 1 अप्रैल से पहले हमें जो चैनल देखने को मिल जाते थे, उसको हम फिर से अपने डीडी फ्रेश वाले प्लेटफॉर्म पे कैसे चलाएं। उसके लिए हमारे चैनल को पहले करना होगा आपको सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को कर देना शेयर, ताकि आने वाले दिनों में हम आपके लिए कुछ नए अपडेट करते रहें। तो जैसे कि आज हम आपके लिए लेके आए हैं डीडी फ्रेश वाले प्लेटफॉर्म पर हमें जी अनमोल, कलर रिश्ते, सोनी पल स्टार उत्सव मूवीज रिश्ते, सनी प्लग स्टार उत्सव, सोनी वा को फिर से अपने डीडी फ्रेश वाले प्लेटफॉर्म पे चलाएं। तो आज हम आपको लाइव प्रूफ चला के दिखा देंगे कि कैसे आपको ये सारे टीवी चैनल फिर से आपको अपने MPG2 सेटअप बॉक्स में चलाने हैं। तो अभी हम वीडियो में शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें मेन मेनू के पहले तो जाना होगा। जैसे हम मेन मेनू करेंगे, उसके बाद आपको आना है यहाँ पर, देख लीजिए, प्रोग्राम सेटअप की ओर। प्रोग्राम सेटअप की ओर आने के बाद यहाँ पर ऐड न्यू प्रोग्राम में आना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐड न्यू प्रोग्राम में, तो यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा LMB फ्रीक्वेंसी। तो LMB फ्रीक्वेंसी आपको क्या करनी है, यहाँ पर चेंजेस होगी आपकी LMB फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर आपको करनी होगी 0.9750, 0.9750। तो यहाँ पर आने के बाद आपको दोनों साइड में आपको 0.9750, 0.9750 कर देना है। यहाँ पर अब आना है आपको, जैसे कि आपको देखना है जी अनमोल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आने के बाद ट्रेड फ्रीक्वेंसी में आना है। ट्रेड फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर आपको कर देना है 11090, 0.11090। तो यहाँ पर जैसे 0.11090 कर देंगे, तो इस प्रकार से आपको 29500 सेमन रख देना है। सेमन रखने के बाद यहाँ पर देख लीजिए, पॉलिटिकल होगी वर्टिकल और 22 की ऑन कर ऑफ कर देना है, ठीक है। ऑफ करने के बाद यहाँ पर अपने सेटअप बॉक्स में ओके बटन को प्रेस कर दीजिए। जैसे आप प्रेस कर देंगे, तो आपके पूरे 18 टीवी चैनल आपको और देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि हमारा फिल्म जी भोजपुरी हो गया, FZ धड़कन हो गया, जी गंगा हो गया, डिजक टीवी चैनल हो गया, जैसे कि बिफोर यू भोजपुरी हो गया, गुड न्यूज़ टुडे, बिफोर यू मूवीज, DD अरुणा प्रदेश, FZ मूवीज। इस तरह से अपने डीडी फ्रेश वाले प्लेटफॉर्म पे जनरल वाले टीवी चैनल फिर से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहे अपना जी अनमोल, देख लीजिए। सिग्नल भी आपको बहुत बढ़िया देखने को मिल जाएगा, 70 से 72% तक सिग्नल भी आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अभी हमें चलाना है अपने सोनी पल को, तो सोनी पल को आपको चलाना है, तो सोनी पल के लिए आपको मैं पहले फिर से आपको न्यू प्रोग्राम में आना है। न्यू प्रोग्राम में आने के बाद यहाँ पर आपको आना है जी ऐड न्यू प्रोग्राम में। जैसे ऐड न्यू प्रोग्राम में आने के बाद यहाँ पर आपको फिर से 97.50, 97.50, 97.50 आपको करने होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, टीपी होगी अपनी 11470, देख लीजिए। जैसे हमने 11470 कर दिए, तो हमारे टीपी पे सिग्नल रिसीव होने शुरू हो चुके हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पर सामने रख 29500, वर्टिकल होगी आपकी वर्टिकल, 22 के ऑफ होगा, ठीक है। जिस टीपी पे आपको फिर से अपना सोनी पल देखने को मिल जाएगा, तब आपको करना है क्लिक, यानी कि इस पर हमें कितने चैनल रिसीव होते हैं, देख ली 18 टीवी चैनल और हमें देखने को इस टीवी पे मिल जाते हैं। जैसे कि संस्कार हो गया हमारा, साधना टीवी, DD नॉर्थ ईस्ट, इंटरटेन, डीचक 2 देख लीजिए, NDTV, और साथ ही में यहाँ पर और इसका जी अनमोल सिनेमा भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही में यहाँ पर देख लीजिए दबंग टीवी, आस्था टीवी, टीवी नई भास्कर, मनोरंजन टीवी, बिफोर्डी कड़क, कलर रिश्ते। इस तरह से आपको ये सारे फिर से चैनल देखने को मिल जाएंगे। जैसे रिश्ते सिनीप्लेक्स हो गया हमारा, तो ये रहा अपना मेन चैनल सोनी पल। तो देख लीजिए सोनी पल पे आप 55 से 56% हमें सिग्नल रिसीव होते हैं। तो अभी हमें ये सारे टीवी हमने कैसे चलाएं, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी डिश को सेटअप करना होता है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपनी छत पे, तो छत में मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको किस तरह से अपना डिश का सेटअप करना है, तभी आपको ये सारे टीवी चैनल फिर से देखने को मिल जाते हैं। तो अभी हम चलते हैं छत पे।